Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मुखबिर द्वारा मिली सूचना पर पुलिस हुई चौकन्नी। दरअसल परीक्षितगढ़ पुलिस को गोकशी की सूचना मिली थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस अगवानपुर के जंगलों में पहुंची। जिठौली वाले रास्ते पर आम के बाग में रात के समय गोकशी को अंजाम दिया जाना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने जैसे ही आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोली चला दी। इसमें गोकश इमरान पुत्र इस्लामुद्दीन के पैर में गोली लग गई। इसके अलावा तीन आरोपी और गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें इरफान उर्फ खलीफा, साजिद कुरैशी और शावेज शामिल हैं। एसपी देहात अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि इन सभी आरोपियों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। इन पर पहले भी गोकशी के मुकदमे चल रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस को इनके पास से 315 बोर के दो तमंचे, चाकू और जिस गाड़ी में गाय को लाया गया था वो गाड़ी भी बरामद की गई है। सुनिए एसपी देहात अनिरुद्ध कुमार ने इस सिलसिले में मीडिया को क्या जानकारी दी। कल बीती रात थाना परीक्षितगढ़ को एक सूचना मिली थी कि अगवानपुर के जंगलों में कुछ लोग गोकशी का प्रयास करने वाले हैं। तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंची। वहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने पुलिस को देख करके फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में की गई, जिसमें अभियुक्त इमरान के पैर में गोली लगी है और मौके से तीन अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, इरफान, साजिद और एक अन्य अभियुक्त है। इन अभियुक्तों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है और इनके ऊपर गोकशी के पहले भी मुकदमे रहे हैं। इनके पास से 315 बोर का दो तमंचा बरामद किया गया है। इसके साथ ही चाकू और इसके अलावा जिस पिकअप गाड़ी में गाय को लेकर आए थे वो पिकअप गाड़ी बरामद की गई है। जिस सेंट्रो कार में आए थे वो सेंट्रो कार बरामद हुई है। तो यह थाना परीक्षितगढ़ पुलिस की एक बड़ी सतर्कता भरा उपलब्धि है और मैं इस कार्य के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।